ऑल माय गॉर्जियस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई रियली होप आप सब अपने घरों पर एकदम सेफ और बहुत मजे से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज मीशो बैग का हॉल, जिसमें आपको बहुत डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे आपके डेली वेयर, कॉलेज वेयर, ऑफिस वेयर। एंड यू नो, आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो यू आर ऑल सॉर्टेड अगर इनमें से आप कोई भी बैग अपने पास रखते हो तो। काफी वर्सेटाइल है, इसमें आपको स्लिंग बैग, ट्रैवलिंग बैग, टोट बैग एंड यू नो क्लचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है। आप इनको हर जगह कंफर्टेबली कैरी भी कर सकते हो, येट अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट सारे ही बैग्स आपको 250 से 300 की रेंज में मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर 500 है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सारे ही प्रोडक्ट्स के जो कोड हैं गाइस, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिलेंगे। इनकी क्वालिटी कैसी है, इनको लेना चाहिए या नहीं, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से हर बार की तरह आप लोगों को समझाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों को जेन्युइनली पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। और अगर इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियो आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो या फिर फैशन से अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का हॉल पिटारा चेक करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट क्यूट बैग आज के पूरे इस हॉल वीडियो में, जो मुझे लगा, जो कि है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी क्वालिटी काफी स्टर्डी है, आप देख सकते हो। तो मैंने ले लिया है ये कुछ इस कलर के टेक्सचर में, ग्रीन एंड यू नो इसमें कुछ इस तरीके का पूरा 3D फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। स्लिंग बैग है जिसमें आपको एडजस्टेबल डोरी दे रखी है, आप अपनी यू नो हाइट के अकॉर्डिंगली या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें आपको कुछ इस तरीके का फ्लोरल पैटर्न दे रखा है, बैक साइड पे भी कुछ ऐसा रहेगा। एंड इसकी डेप्थ मैं आपको यहां से भी दिखा देती हूँ, कुछ इतना है तो इसमें आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। जिप की क्वालिटी भी जो है वो काफी स्टर्डी है, आप देख सकते हो। इसकी क्वालिटी गाइस सीरियसली बहुत अमेजिंग है। एंड इसमें इसके अलावा आपको 2-3 पैटर्न्स और दिखने को मिल जाएंगे। अंदर से आप देख सकते हो एक सिंगल कंपार्टमेंट दे रखा है एंड इसकी जो क्वालिटी है ना काफी अच्छी है। ये देखिए इसकी अंदर की साइड की क्वालिटी है जो कि काफी अच्छी है। अंदर आपको एक बड़ा कंपार्टमेंट है, साथ में एक साइड पॉकेट भी दे रखी है जिसमें कि आपको जिप क्लोजर मिलता है। इसकी क्वालिटी चाहे जिप की हो चाहे इसकी मटेरियल की हो बहुत अच्छी है, 10/10 है। एंड मेरी तरफ से गाइस ये बैग हाईली रिकमेंडेड है। इसकी क्वालिटी सीरियसली जितना इसके लिए पे किया है वर्थ है, आपको ये सीरियसली बहुत पसंद आने वाला है। आप कहीं पे भी यू नो आसपास घूमने जा रहे हो या फिर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो कुछ इस तरीके का क्यूट सा येट डिफरेंट यूनिक स्लिंग बैग अपने साथ कैरी कीजिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी सारे लोग पूछने वाले हैं कि ये कहाँ से लिया है, कोड मैंने इसका नीचे मेंशन कर दिया है, आप खुद देख लीजिए गाइज। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस बैग, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट करना बनता है। नेक्स्ट है गाइज वन ऑफ द ट्रेंडिंग बैग्स, जो कि कुछ इस तरीके से है। एंड इसका जो ये फैब्रिक है ना, ये कुछ स्वेट या फिर यू नो दिस इज नॉट सैटन, दिखने में लगता है कि ये सैटन है बट ये जैसे यू नो स्वेट का फैब्रिक होता है कुछ वैसा है, बट इसमें आपको साइड बाय साइड जो है इस तरीके की कुछ शाइन भी दिखने को मिलेगी। 6 to 7 कलर ऑप्शन में आपको मिलता है, सारे ही कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं इंक्लूडिंग लाइट कलर्स एंड डार्क कलर्स। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ना इसमें प्लेटेड सा पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए इसका ये वाला जो है का पूरा चेन मिल जाएगा, गोल्डन चेन। एंड इसकी डेप्थ जो है काफी अच्छी है, काफी स्पेशियस है ये। ये देखिए यहाँ पे इसकी जिप क्वालिटी भी अच्छी है एंड आप देख सकते हो अंदर एक जो है आपको काफी अच्छी डेप्थ मिल जाती है। साइड में एक ये साइड पॉकेट भी आपको दे रखी है ताकि आप अपना छोटा मोटा सामान इसमें कैरी कर सको। एंड इसके साथ जो है हमको ये स्ट्रिंग मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सो अगर आप इसको यू नो लंबा करके इसको हैंग करना चाहते हो तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये इसके साथ कैरी करके भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बैग। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डेप्थ है इसकी, इसमें आपका काफी सारा सामान आ सकता है और आप इसको कैरी करोगे तो बहुत प्रिटी लगने वाला है, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत प्यारा है। इन बजट है, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेक कीजिए, मेरी तरफ से ये भी रेकमेंडेड है। नेक्स्ट बैग गाइस सीरियसली मैंने ऐसी क्वालिटी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। ये कुछ इस तरीके का टोट बैग है, दिखने में आपको ये एकदम स्लिम लग रहा होगा लेकिन आप इसका देखो इतना ज्यादा इसमें यू नो स्पेस है, आपको बहुत स्पेशियस बैग मिल रहा है। एंड आई थिंक ये समवेयर अराउंड 350 कुछ का है। पूरा ही इस तरीके का टेक्सचर मिल जाएगा आपको इसकी क्वालिटी में एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा स्टर्डी है, आप देख सकते हो। ये देखिए काफी स्टर्डी क्वालिटी है इसकी, कुछ ऐसे इसमें आपको ये हैंगिंग पैटर्न मिल जाएगा सेम फैब्रिक में ही, प्योर लेदरेट है एंड इसमें पूरा ये वाला टेक्सचर दिखने को मिलता है।
काफी प्रिटी कलर लगा मुझे, येलो मस्टर्ड साइज का कॉम्बिनेशन है एंड ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बैक साइड पे आपको ये जिप क्लोजर मिल जाएगा एक, इसमें आप अपना कुछ चेंज वगैरह कैरी कर सकते हो। फ्रंट पे जो है आपको ये सैटिन का रिबन दे रखा है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली या तो इसको ऐसे खुला छोड़ दीजिए या फिर आप बो कर सकते हो, तो काफी प्यारा लगता है। आजकल काफी इन है ऐसे सैटिन रिबन आपको बैग्स में देखने को मिलेंगे। नाउ इसके पॉकेट्स की बात करें तो इसमें आपको तीन डिविजन मिल जाएंगे। अगर बीच का देखेंगे हम तो ये कुछ इतना ज्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पेस है इसके अंदर, दुनिया भर का सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो। और सिर्फ ये ही नहीं, आप इसके अगर साइड पॉकेट्स भी देखोगे ना, ये देखिए एक पॉकेट इसमें यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए कुछ ऐसी, और एक पॉकेट जो है इसकी दूसरी तरफ भी दे रखी है थर्ड साइड पे, जो कि कुछ ऐसी रहेगी, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी खासी इसमें जो है आपको स्पेस मिल जाती है अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, बहुत अमेजिंग है गाइस। इसमें इवन कि आप अपना कॉम्पैक्ट लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हो, बहुत इजी कैरी हो जाएगा ये। काफ़ी स्टर्डी है मटेरियल वाइज, 10/10 टेक्सचर फैब्रिक, सब कुछ इसका बहुत अच्छा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी जिप की क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, कुछ इस तरीके की गोल्डन जिप मिल जाएंगी आपको, ये देखिए कुछ ऐसी चेन लगाई हुई है इसमें, पूरा ये स्टॉपेज भी दे रखा है यहाँ पे साइड पे, तो ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, बहुत प्यारा लगता है गाइस। डिफरेंट कलर है इसमें, आपको और भी काफ़ी सारे यूनिक कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लैक ग्रे एंड मरून जो बेसिक कलर्स होते हैं वो तो है ही, बट कुछ ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स भी हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ये बैग गाइस सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ ट्रैवलिंग एंड ऑफिस पर्पज, तो अगर आप कुछ रीजनेबल प्राइस पे देखना चाहते हो तो आप इस बैग को डेफिनेटली कंसिडर करके देख सकते हो गाइस। ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का बैग जबकि आपको 4 to 5 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा एंड ये जो है आपको ग्लॉसी फिनिश में मिल जाएगा। इसके फ्रंट पोर्शन पे आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर मिल जाएगा एंड बैक साइड पे ये एकदम प्लेन है कुछ ऐसे। यहाँ पे बैक साइड पे आपको एक चेन भी मिल जाएगी गोल्डन क्लोजर में जिसकी क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है। ये देखिए कुछ इतना इसका जो है यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा छोटा मोटा अपना सामान कैरी करने के लिए एंड अंदर जो है आपको मिल जाता है एक मेन कंपार्टमेंट। ये देखिए कुछ ऐसे इसमें कंपार्टमेंट है जिसमें आपको बीच में एक ही सेक्शन दे रखा है, ये जस्ट एक पॉकेट है एंड देन यहाँ पे साइड में आपको एक जिप क्लोजर भी पॉकेट मिल जाएगी कुछ ऐसी। ये वाला जो फैब्रिक आप देख रहे हो दिखने में काफ़ी अच्छा है एंड स्टर्डी है, इसकी मटेरियल भी जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको दे रखा है ये हैंगिंग में बड़ा वाला चेन जो कि गोल्डन कलर का है, तो अगर आपको इसको लंबा करके हैंग करना है आप इसको चेन स्टाइल में ले सकते हो कुछ इस तरीके से कैरी करके, अदरवाइज अगर आपको इसको जस्ट यूं ही कैरी करना है तो ये यहाँ पे आपको चौड़ा ब्रॉड वाला स्ट्रैप दे रखा है, ये देखिए कुछ ऐसे, जो कि आजकल ये ब्रॉड वाले स्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा इन है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बेसिक बैग है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है एंड इतना इसमें आपको स्पेस मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसमें अपना सामान कैरी कर सकते हो। बेसिक बैग है आपकी हर ड्रेस के साथ जाएगा एंड ब्लैक बैग तो सबके पास होना चाहिए एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है, तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट गाइस शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल सा क्लच जो कि काफी यूनिक है, कुछ इस तरीके का आपको क्लच मिल जाता है ये, यहाँ पे कुछ ऐसा डॉट दे रखा है इसमें एंड इसको हम जो है कुछ ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। अंदर काफी अच्छा इसमें जो है हमको फैब्रिक प्रोवाइड कर रखा है, साथ में यहाँ पे ये दे रखी है चेन, इफ इन केस आप इसको हैंग करना चाहते हो तो आप इसकी जो है ये गोल्डन चेन जो है यूज कर सकते हो। बाकी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये सिंगल मिल जाता है जिसमें आप अपना फोन या फिर अपने कार्ड्स कैश वगैरह कैरी कर सकते हो एंड ये इसी तरीके से जो है टक करके इस तरीके से कुछ बंद हो जाएगा। सो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का क्लच हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ये डिफरेंट कलर्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे मिल जाएंगे, ये देखिए, तो ये तो आपकी हर ड्रेस के साथ चला जाएगा। फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड ये जिसका मेटल यूज़ किया है ये भी बिल्कुल हार्श नहीं है, एकदम सॉफ्ट एजेस हैं इसके, ये देखिए कुछ ऐसे। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगता है, हैंग करने के बाद बहुत क्यूट है, आपकी हर ड्रेस के साथ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का क्लच जो है आप डेफिनेटली अपने पास रखिए, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक सम अराउंड 250 कुछ का है, तो मेरी तरफ से ये मस्ट हैव है। आपको पसंद आता है कुछ इस तरीके का कलरफुल स्लिंग बैग या फिर क्लच बोल लीजिए तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। गाइस अब आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही डिफरेंट सा बैग जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मीशो में देखा एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इस तरीके से बोहो बैग है, आप देख सकते हो इसमें ये पूरा जो है ना वो जो हमारा डोरी वाला वर्क होता है ना एकदम नेचुरल पूरा, उससे ही आपको पूरा ये वाला डिजाइन दे रखा है। फ्रंट में ये वाला डिजाइन है एंड
बैक साइड पे भी आपको सेम डिज़ाइन मिल जाएगा। कुछ इतनी जो है इसकी यहाँ पे आपको डेप्थ मिल जाएगी, मतलब मैं अंदर से दिखा दूंगी बट मैं बाहर से दिखा रही हूँ। इसका स्लिंग जो है वो कुछ इतना हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड क्लासी लगता है, स्पेशली अगर आप अपनी यू नो वेकेशन वगैरह में जा रहे हो। अंदर जो है आपको इसमें कुछ इतनी डेप्थ मिलेगी, एक सिंगल कंपार्टमेंट है, साइड कोई भी पॉकेट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस। सीरियसली अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो कुछ इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बैग। एंड देन ये एकदम टोटली नेचुरल है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सेफ है। इसकी क्वालिटी मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी। जो डोरी वाला वर्क होता है ना, ये पूरा डोरी डोरी से इन्होंने वर्क किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड बहुत प्रिटी लगता है ये भी। तो अगर आप वेकेशन वगैरह के लिए जा रहे हो तो कुछ इस तरीके का डिफरेंट बैग अपने साथ कैरी कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल है, आई थिंक 200, 225 या 250 के अंडर ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा अगर आप कुछ यूनिक देख रहे हो। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही प्रिटी बैग, कुछ ऐसा लेवेंडर कलर का है। इसमें आपको पूरा ये टेक्सचर मिल जाएगा जो कि पूरे ही बैग में रहेगा, फ्रंट में भी और बैक में भी। यहाँ पे आपको ये चौड़ा वाला स्ट्रैप मिल जाता है, हाफ एन हाफ पैटर्न है। यहाँ पे आपको गोल्डन चेन मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाता है आपको स्ट्रैप। अगर आपको लंबा रखना है तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, और अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको जो है यहाँ पे ऐसे ये क्लिप दे रखा है, आप इसको यहाँ पे जो है ऐसे करके टक कर सकते हो। तो ये जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न हो जाएगा। बाकी अगर हम इसके स्पेस की बात करें, सिंगल इसमें जो है आपको कंपार्टमेंट दे रखा है कुछ इस तरीके से। अंदर का जो फैब्रिक है काफी अच्छा है, आप देख सकते हो, ये देखिए फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड यहाँ पे जो है आपको अंदर दो पॉकेट्स दे रखी हैं, ये कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट है। एंड यहाँ पे दे रखा है आपको चेन क्लोजर कुछ ऐसा। सो ये भी जो है बहुत, एक सेकंड मैंने बंद कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको इसमें एक ही पॉकेट मिल जाएगा। तो क्वालिटी वाइज 10/10 है, चाहे हम इसके बाहर के फैब्रिक की बात करें या फिर अंदर की। काफी ज्यादा प्रिटी लगता है, डिफरेंट शेड है, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको अपने लाइट आउटफिट्स के साथ रखना चाहिए तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली इन समर्स। तो आप इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी काफी अफोर्डेबल है, समवेयर अराउंड 300 कुछ का है। इसमें भी काफी सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पेस्टल कलर्स, न्यूड कलर्स और डार्क कलर्स सारे ही हैं। तो आपको जो पसंद आता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल एंड प्यारा सा वॉलेट, जो कि कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का है। इसमें 8 to 9 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने इसमें ले लिया है डार्क नेवी ब्लू कलर। कुछ ऐसा फ्लैप मिल जाएगा इसमें ये टक बटन के साथ। यहाँ पे आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट मिल जाएगा अपनी चेंज वगैरह रखने के लिए, एंड देन बीच में यहाँ पे एक मेन कंपार्टमेंट है, ये देखिए कुछ ऐसा कंपार्टमेंट दे रखा है। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, आप देख सकते हो अंदर का फैब्रिक भी काफी स्पेशियस है। ये आप इसमें अपने कार्ड्स या फिर कैश वगैरह कैरी कर सकते हो। यहाँ पे ये हैंगिंग पैटर्न दे रखा है, एंड ये वाला बैग भी जो है आपको पूरा टेक्सचर्ड पैटर्न में मिलेगा, ये देखिए पूरा ही टेक्सचर्ड है। तो कुछ इस तरीके के टेक्सचर्ड बैग काफी एक्सपेंसिव लगते हैं, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं कैरी करने में। कलर्स इसके काफी अच्छे हैं, उसमें एक येलो कलर भी था, मस्टर्ड कलर, पर मैंने टोट बैग ले लिया था तो मुझे लगा शायद ये वाला कलर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी वर्सेटाइल है, हर आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो आप कुछ इस तरीके का अगर आप वॉलेट देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको भी ले सकते। नेक्स्ट गाइज आपके साथ शेयर करूँगी ये प्रिटी सा बैग, जो कि ज़ूक से मैंने लिया है। एंड ज़ूक सीरियसली गाइज बहुत अमेजिंग क्वालिटी देता है। स्लिंग बैग इसका बहुत स्पेशियस है, कुछ इस तरीके के टेक्सचर में मैंने इसको ले लिया है। फ्रंट में कुछ ऐसा है एंड बैक में ऐसे, यहाँ पे आपको एक जिप क्लोजर मिल जाएगा एंड कुछ इतना इसमें ऐसे आपको चौड़ा स्ट्रैप मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रंट में सिंगल कंपार्टमेंट, ये देखिए चेन की क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है, और अंदर कुछ ऐसा फैब्रिक रहेगा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। अंदर से आपको एक ये साइड पॉकेट भी मिल जाएगी, ये देखिए कुछ ऐसी, और आप देख सकते हो ये बहुत स्पेशियस है गाइस। सीरियसली इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, एंड ये आप आपकी कुर्तीज के साथ कैरी कर सकते हो, जीन्स वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत प्रिटी और क्लासी लगता है। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे वीडियो पे टैग कर दिया है, एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा जैसे शॉपिंग कार्ट की तरह, आप उसको जस्ट क्लिक करिएगा एंड आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हो वहां से। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड। सो गाइस आई रियली होप कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, आपको काफी पसंद आया होगा। सभी के कोड्स मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोगों के और कोई सजेशन है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट ऑल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड, सी यू।